रहा था। इसकी माँ का मनोहर कहानियाँ। तो बॉलीवुड स्टार संजय मिश्रा की इस साल की धमाकेदार फिल्म वह दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस को अपने 8 दिन पूरे कर चुकी है और दोस्तों आज इस फिल्म का 9वां दिन। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के कलेक्शन अब पहले से काफी कम हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों यह फिल्म अपना बजट निकाल चुकी है और एक हिट फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को देख चुके हैं, जानना चाहते हैं इस फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें फिल्म वह दिन अपने शुरुआती 8 ही दिनों में लगभग 14,80,00,000 की कमाई दुनिया भर से कर ली थी और दोस्तों आज इस फिल्म का 9वां दिन। और दोस्तों आज के दिन भी ये फिल्म लगभग 60,00,000 की कमाई दुनिया भर से कर रही है, जिसके साथ इस फिल्म का टोटल 9 दिनों का कलेक्शन लगभग 15,40,00,000 का हो जाएगा। और दोस्तों इस फिल्म को मात्र 10 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसके हिसाब से ये फिल्म एक हिट फिल्म बन चुकी है। और दोस्तों ये फिल्म अपने लाइफ टाइम लगभग 17 से 18 करोड़ तक की कमाई करते हुए एक सुपरहिट फिल्म भी बन सकती है। तो दोस्तों आपको संजय मिश्रा की फिल्म बहुत कैसी लगी और आपको क्या लगता है ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन कर सकती है और क्या ऐसे धमाकेदार फिल्मों को पब्लिक का सपोर्ट मिलना चाहिए? आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान को।